डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही आधारित होते हैं तो आइए अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को विस्तार से जानेंगे तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर एट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस प्लेस मीनिंग एंड यूज विद इन सेंटेंसेस The categories are noun, pronoun, verb, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. सबसे पहले हम जानेंगे कि parts of speech किसी भी sentence के वे categories है words के जो अपने place के आधार पर अपना अलग अलग parts of speech denote करता है सबसे पहले नाउन तो नाउन का डिफिनेशन हम यहाँ जैसा कि पढ़ सकते हैं नेम्स पर्सनस प्लेस थिंग्स आइडियाज़ और क्वालिटीज किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु किसी विचार या किसी क्वालिटीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर अलबैनी बास्केटबॉल प्रपोजल प्राइड एट्सट्रा अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की वर्ड्स दैट आर रिप्लेस अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंसनड वो प्रोनाउन जो है किसी ऐसे नाउन के बदले में आता है जिसकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है और वह उस नाउन के बदले में आकर के प्रयोग होता है तो ये वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ही आई यू हीम हर मी दिस दैट दे वी सी एक्सेट्रा अब हम बात करेंगे वर्व की वर्व दैट कन्वे एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंगजिस्टेंस यानी भर्व वह शब्द है जो किसी एक्शन को कन्वे करता है स्टेट ऑफ बीइंग कोई काम होने का जिक्र करता है या किसी चीज के होने के बारे में बतलाता है तो वे वर्ड वर्ब्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉक गो आर स्लीप सींगट्रा नाउ एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल किसी नाउन को या किसी प्रणाउन को किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बतला सकता है जैसे हम बोलेंगे सी इज़ ब्यूटीफुल तो यहाँ सी को ब्यूटीफुल क्या कर रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है अब हम बात करेंगे एडवर्ब की वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स दे आंसर द क्वेश्चंस व्हेन वेयर व्हाई हाउ हाउ मच एंड इन व्हाट वे यानी एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्व या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो शब्द हमें वैन यानी कब वेयर यानी कहाँ वाय यानी क्यों हाउ यानी कैसे हाउ मच यानी कितना एंड इन वाट वे और कोई काम किस तरह से हुआ इन सारे प्रश्नों का जो वर्ड हमें आंसर देता है वो वर्ड एडवर्ब्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइनली एटसेट्रा अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की वर्ड्स दैट लिंक नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में किसी भी शब्द को वाक्य के दूसरे शब्दों से जो लिंक कराता है उसे जोड़ता है या उसे संबंध स्थापित करता है तो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल ऑन इन ओवर अंडर विद इन एट्सेट्रा अब बात करेंगे कंजंक्शन की वर्ड्स डैट लिंक अदर वर्ड्स फ्रेजेज और क्लाउज इन अ सेंटेंस जो शब्द किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को फ्रेज को या क्लाउज को लिंक करता है यानी एक साथ जोड़ता है तो ऐसे वर्ड कंजंक्शन कहलाते हैं यहाँ कंजंक्शन दो प्रकार का दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है वर्ड्स दैट लिंक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करता है अब आपको यह जानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो दूसरे वाक्य के ऊपर अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निर्भर करता है जो अकेले अपना पूरा पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर सकता वो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जो लिंक करता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं फॉर एग्जांपल फोर एंड नोर बट और येट सो एट्सेट्रा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स दैट लिंक डिपेंडेंट क्लाउज विथ इंडिपेंडेंट क्लाउज जो डिपेंडेंट क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ लिंक करता है उसको सबोर्डिनेटिंग कंजन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अलदाव बिकॉज वेदर वाइल एट्सट्रा लास्ट में इंटरजेक्शन वर्ड्स दैट आर यूज एज एक्सलमेशंस और टू एक्सप्रेस फीलिंग वह शब्द जो एक्सलमेशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है वो वर्ड इंटरजेक्शन कहलाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हे ओ ड वाव एट्सेट्रा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख अगर एक बार में मेरे तरह से नहीं समझ में आया तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं और अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे थैंक यू